देहरादून के कालसी में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जोहड़ी गांव और पल्लवी गैस एजेंसी बस्ती के लोगों को निकलने के लिए जो आम रास्ता है उस पर कुछ व्यक्तियों ने अवैध रूप से निर्माण कार्य का कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने जब राजस्व विभाग के पटवारी से जानकारी जुटाई तो पटवारी का कहना है कि इस रास्ते की चौड़ाई 2 से 3 मीटर है, जबकि अवैध कब्जों के चलते रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर भी नहीं रह गई है। इस प्रकरण को लेकर भारतीय पत्रकार जन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना है कि इस तरह अवैध कब्जे होते रहे हैं तो ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाएगी। तो वहीं स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं और ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कब्जों को लेकर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नायब तहसीलदार ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में भारतीय पत्रकार जन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव पूरन सिंह, जिलाध्यक्ष भरत सिंह चौहान सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। देहरादून से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। पर गांव की जो एक आम रास्ता है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम समिति वालों ने यहां पर एक उपजिलाधिकारी उपस्थित नहीं थे लेकिन नायब साहब को हमने एक विज्ञापन दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि वो लोग प्रशासन जो है इस पे संज्ञान लें, क्योंकि इस तरह का अतिक्रमण जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस समय से बहुत लोग जो परिवार यहाँ पे ग्राम कालसी के अंदर एक रास्ता है, आम रास्ता है, क्योंकि कई वर्षों से चला आ रहा है और ये मुख्य मार्ग इसलिए है क्योंकि बच्चे जितने भी है स्कूल जाने वाले या तहसील आने वाले उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले लोगों के पशु चराई हुआ करती थी, पशु आते थे, लेकिन आज एक भैंस भी वहाँ से नहीं गुजर सकती।